नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रेरणा पर कार्यशाला आयोजित। कोक ओवन विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 में 55वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। एचआरडी सेंटर में 21 एवं 22 दिसंबर को प्रेरणा पर एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक सेंटर श्री एसआर दत्त ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में कुल 57 कर्मचारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विशेषकर प्रभावी योजना, आयोजन, संचार और निगरानी पर केंद्रित है, जिसमें कार्मिकों को खुशी से कार्य करने पर प्रकाश डाला गया। कम श्रम शक्ति के साथ कार्य करने के लिए अवधारणा के पुनरुत्थान एवं भूमिकाओं और निष्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सत्र आयोजित किया गया। अभिप्रेरण वातावरण बनाने के लिए अभिप्रेरण फिल्म द्वारा पूरक रचनात्मकता और आउटबॉक्स सोच पर जोर दिया गया। सिनर्जी और टीम कार्य विषय में चर्चा, क्रीड़ा और अनुभव का आदान प्रदान भी इसमें शामिल था। प्रशिक्षण की अन्य सामग्री में ऑपरेशन और रखरखाव के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिकता, बेहतर संचालन क्षमता और अनुशासन के साथ निरीक्षण को मजबूत बनाना और निरंतर लाभप्रदता इसमें शामिल है। इसके बाद कर्मचारियों की वचनबद्धता और प्रशिक्षण की पुष्टि के लिए सिंडिकेट चर्चा पर प्रस्तुतिकरण किया गया। महाप्रबंधक ओबीबीपी श्री ए मिश्र, उप महाप्रबंधक कोक ओवन श्री के बेहरा, उप महाप्रबंधक एचआरडी श्री शिवराजन, उप महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री आशीष रंजन, प्रबंधक एसपी 1 श्री एम मुरली, सहायक प्रबंधक एमएसएनएस श्री आर अग्रवाल तथा सहायक प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने सत्र को संचालित किया। उप महाप्रबंधक एचआरडी श्री शिवराजन ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा सहायक प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने ओसीटी एचआरडी श्री डीपुरन की सहायता से कार्यक्रम को सुगम बनाया। कोक ओवन विभाग में दिसंबर को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक कोक ओवन श्री के सी बेहरा ने समारोह की अध्यक्षता की और कोक ओवन ऑपरेशन के एसीटी श्री आशीष मुंडा को नवंबर माह के लिए पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कोक ओवन की बैटरी नंबर 6 में कार्य कर रहे श्री मुंडा को जल विद्युत सफाई नोजल में संशोधन लाने के लिए सम्मानित किया गया, जो ओवन के दरवाजों की सफाई में आवश्यक है। श्री मुंडा के इस प्रयास की सभी ने सराहना की। उपप्रबंधक कार्मिक सुशी ज्योति ओरिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 में 19 दिसंबर को 55वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग श्री पी के साहू इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि उप महाप्रबंधक नगर सेवाएं शिक्षा श्री बी के राउत एवं उप प्रबंधक शिक्षा श्री यूसी पटनायक सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम का प्रारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। श्री साहू ने अपने संबोधन में छात्रों को उनके शैक्षिक और अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और उन्हें अच्छी तरह से अध्ययन करने और मूल्यों का पालन करने और स्कूल का नाम रखने के लिए प्रेरित किया। गणमान्यों ने पहले से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। संस्थान के छात्रों द्वारा एक सुंदर स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में पहली बार माता पिता और अभिभावकों के लिए स्कूल की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण किया गया, जो अत्यंत सराहनीय था। प्रारंभ में इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 के शिक्षक सुशी भारती दास ने सभा का स्वागत किया।
IEMS सेक्टर 22 के प्रधान शिक्षक श्री SN पंडा ने संस्था की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्कूल की शिक्षित्री सुश्री सरिता अग्रवाल ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। स्कूल के शिक्षक श्री H. गिरी, सुश्री भारती दास, सुश्री सुचिस्मिता सामल एवं श्री M. मालाकार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।